दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन मशीन के बारे में। वो मशीन आप घर पे बना सकते हैं और मच्छरों से परेशान हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम बताने जा रहे हैं एक होममेड ऐसा आइटम जो कि मच्छरों को पकड़ लेता है। हम बनाने वाले हैं एक ऐसा बेहतरीन आइटम जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही जरूरी है कि घर में ही वो सारे आइटम मिल जाएंगे जिनको जोड़ जाड़ के आप वो बेहतरीन आइटम बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आपके घर पर ही वो सारे आइटम मिल जाएंगे जिनको आप जोड़ के ये सारे आइटम बना लोगे। तो हम चलते हैं और आगे और बात करते हैं कि इस आइटम को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। दोस्तों आपके घर कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा डब्बा मिल जाएगा। जैसे आप अगर जो साबुन यूज़ करते होंगे, बर्तन धोने वाला साबुन, तो वो कुछ हिसाब का मिलता होगा आपको। ये अप्रॉक्स इसकी ऊंचाई लगभग 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक की हो सकती है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसा भी है, चौड़ा भी है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ हम ले लेते हैं ये ढक्कन। जी हाँ, हमें वो मशीन बनाने के लिए उसका ढक्कन भी चाहिए और ये पूरा चाहिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे इसको देख रहे हो ना, पहले बात करते हैं ढक्कन के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं ढक्कन के बारे में। हम ढक्कन को इस हिसाब से, ये वाला सरफेस के हिसाब से काट लेंगे और ठीक उसी गोलाई में आप इसको उल्टा कर लेते हैं और इसको आप ऐसे गोलाई में काट लोगे। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप चाकू या फिर कैंची से और काट सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक काट रखा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक काट रखा है और काटने के बाद ये हमने फ़ैन भी इस पर फिट कर दिया है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन आप अपने अड़ोस पड़ोस के दुकान से ले सकते हैं या फिर अगर जो आपके पास कंप्यूटर के SMPS पड़े हुए हैं ख़राब, तो उस SMPS से भी ये फ़ैन निकाल सकते हैं। ये SMPS निकाल देना है और फैन निकाल कर कुछ हिसाब से हमने चिपका लेना है, ठीक है। तो ये चिपक गया है, इसके ऊपर हमने ग्लू लगा दिया है एंड ग्लू लगा के चिपका दिया, ठीक है। तो ये हमारा ये ऊपर का हिस्सा रेडी हो चुका है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं उसका दूसरा डिब्बा जिसको हमने ये काट लिया कुछ इस तरह का। आप सिर्फ ये नीचे नीचे का काट लें, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ एक छोटी सी जाली ले लेंगे, जिससे एयर जो है वो पास होगा। आप देख सकते हैं इसमें 2-3 मच्छर हमने पकड़ भी रखे हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी बना के चला रखा है, टेस्टिंग के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जाली लेना है एंड ये मैंने टेप लगा दिया है। ये टेप से प्रॉपर फिक्स कर दिया है कि इसमें ये 3 टांगे इसकी लगा रखी हैं, जिससे कि इस तरह से जब रखेंगे तो एयर यहाँ से जाएगा और नीचे से निकल जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो जाली है, आपके अड़ोस पड़ोस कोई दुकान हो या फिर आपके यहाँ पड़ी होगी, आसपास में आपके घर पे पड़ी होगी जाली, कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है ये, तो इस हिसाब से बना लेना है, ठीक है। दोस्तों ये है तीसरी चीज़, ये एक हमने ग्लास ली है और ये अगर जो आपके यहाँ ग्लास ना हो तो आप LED बल्ब के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है सफ़ेद सा, उसको ले सकते हैं और उसके ऊपर आप टेपिंग कर दें। जी हाँ, काला टेप कर दें जिससे कि जो लाइट है वो प्रॉपर बाहर ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगा रखा है, टेप लगा दिया है। साथ ही साथ इसमें हमने ये 4 ऐसे एल्युमिनियम्स के हमने ये 4 इसकी टांगे बना रखी हैं जो कि फ़ैन के होल में फिक्स हो जाएंगे। हम आगे बताएंगे कैसे इसको फिक्स करना है। साथ ही साथ इसमें एक LED बल्ब फिट करनी है। जी हाँ, एक सफ़ेद या फिर आप ग्रीन बल्ब फिट कर सकते हैं, मतलब हल्की सी इसमें लाइट फिट करनी है। लाइट इसलिए कि मच्छर लाइट देखकर इसके अंदर आएंगे। तो इसमें हमने बल्ब इसलिए लगा रखा है कि इसमें जब हल्का सा उजाला होगा तो मच्छर इसकी तरफ आएगा। अक्सर मच्छर जो है वो लाइट की तरफ आते हैं, तो हमने कुछ इस तरह से बना लिया है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। जी हाँ, क्योंकि जब 12 वोल्ट की बैटरी से इसको अटैच करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर को थोड़ा सा कंट्रोल करके इस LED तक पहुँचाएगा, जिससे कि ये फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आपको ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको प्रॉपर रेडी कर लिया है एंड इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें को ये फ़ैन रखना है।
ठीक है, ये फैन रख दिए, तो ये हमने प्रॉपर फिट कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने असेंबल कर लिया है इस आइटम को, जिसमें ये नीचे का आपका एरिया हमने टेप से ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, नीचे जाली लगा रखी है, पैन फिट कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब जरा इसका साइंस समझिए। ये जो मशीन है टोटली साइंस पे डिपेंडेड है। देखिए होता क्या है, ये हमने पूरा का पूरा असेंबल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो साबुन वाला डब्बा है, और ये SMPS से निकाला हुआ फैन है, 12 वोल्ट पे काम करने वाला आइटम है ये। और ये ऊपर हमने एक ये ग्लास ले रखा है, प्लास्टिक का ग्लास है। आपके पास अगर जो प्लास्टिक की गिलास ना हो तो इसकी जगह पे आप LED बल्ब होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये जो है डार्क होना चाहिए, यहाँ पे लाइट जो है हल्का सा पता होना चाहिए, कि पता लगना चाहिए कि हाँ लाइट जल रही है, उजाला हो रहा है। बाकी जो मैक्सिमम उजाला हो वो इधर होना चाहिए इस फैन के ऊपर। तो साइंस समझिए इस चीज पर। इस आइटम के बारे में मैं बता दूं आपको, इस जो डिवाइस है ये काम ऐसे करता है कि जब यहाँ पे हल्का सा उजाला होगा तो मच्छर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब मच्छर अट्रैक्ट होंगे तो आपको पता ही है फैन बहुत ही तेज स्पीड से चलता है, तो जब भी मच्छर इसके पास पहुंचेगा ये क्या करेगा, ये फैन मच्छर को खींच के डब्बे के अंदर फेंक देगा। और आपको पता ही है इधर हमने जाली लगा रखी है, तो जो मच्छर है इस एरिया में आके रुक जाएगा, मच्छर आके रुक जाएगा और वो इस डब्बे में ही पैक होके रह जाएगा। बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि ये जो आइटम है ये कंटिन्यू चलता है, मीन्स मैं शाम को चालू कर देता हूँ तो सुबह तक चलता ही रहता है, और मैं देखता हूँ सुबह उठ के तो इसमें 100 200 250 मच्छर इसमें ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं और वो हवा से मर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, लाइट का जो प्लस है और फैन का जो प्लस है उसको आपस में जोड़ दिया, साथ ही बैटरी से जोड़ दिया है। उसके बाद इसका नेगेटिव और फैन का नेगेटिव हमने इस नेगेटिव पोल से जोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो आइटम है एक बैटरी से कनेक्ट होके स्टार्ट हो चुका है। और इस आइटम को ऐसे ही ओपन ही रखना है, ठीक है, ये चलता रहेगा। और इस आइटम को आप ऐसी जगह पे लगाएं जैसे जहाँ पे अभी आप सोते हों रहते हों और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उस जगह पे इस आइटम को चालू करके छोड़ सकते हैं। जहाँ पे भी इसको चालू करें वहाँ पे ध्यान दें कि और कोई लाइट ना जल रही हो, मीन्स सिर्फ इसकी हल्की सी लाइट होनी चाहिए। तो इसका चक्कर ये पड़ेगा कि इस लाइट को देख के मच्छर इसके अंदर आएंगे और इसके फैन के थ्रू मच्छर अंदर चले जाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक आइटम है, और इसको आप घर के ही दो तीन आइटमों को जोड़ जाड़ के इसको आप बना सकते हैं। इसको बनाने का खर्चा कुछ खास ज़्यादा नहीं है, 100-200 रुपये का खर्चा है, और ये बहुत ही बेहतरीन आइटम है, नॉन स्टॉप चलने वाला है, इको फ्रेंडली आइटम बना रखा है हमने ये। डेली आप इसको चालू करके छोड़ दें और सुबह तक आप देखेंगे कि 250, 300, 400 मच्छर पकड़ के ये इसके अंदर पड़े हुए हैं।